चार लड़के खत्म हो गए। ओहो, चार को आंखों में आंसू नहीं लाने, अब खुश रहना पूरी जिंदगी। अब आंसू तो यो में आते हैं। अंकल जी आपकी एज क्या है, एक बार एज बताओ मेरे को। एज मेरी 77 साल की उम्र है। मतलब सुबह ही फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं पीछे अंकल आंटी जी के पास। आंटी जी के अंकल से भी बात कराता हूँ, आंटी से भी बात कराता हूँ, और आज हम खाने पीने भी आए क्योंकि घर से बिल्कुल भूख गया। तो रनीश भाई बताओ। यार हम स्पेशली इसलिए आए हैं कि अंकल आंटी जी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको लॉकडाउन के बाद तो उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और इस समय जो उनके हमने कहानी सुनी ना, हम वो वीडियो में भी दिखाना चाहेंगे। एक बार आप पूरी वीडियो देखिए और उनकी कहानी जान के आप, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने घर में फ़ोन में देख देख के रो जाएंगे, बहुत ही दर्दनाक कहानी है। तो हम मतलब हेल्प करने के लिए आए हैं बेसिकली, तो चलो चलते हैं। तो आंटी जी हमारे साथ हैं। देखो आंटी जी, आंटी कैसे हो आप, पहले ये बताओ। पहले तो मैं ये हूँ कि बाबा हैं बेचारे। हाँ जी, एक्सीडेंट हो गया था, यहाँ से आज तक हाथ कट गया। ओहो, कब, कौन सी तारीख? 24 जनवरी। अच्छा, लॉकडाउन से पहले? हाँ, लॉकडाउन से पहले। अच्छा, बाइक वाला मार गया। ओहो हो हो, गिर पड़े, उनको उठा के भी नहीं देखा और चला गया, भाग गया मतलब। उठा के जीटी भी ले गए, वहाँ पे टाके वाके लगे दो, अब 4-5 महीने में अब रेडी लगा लिया हम। ओहो, फिर लॉकडाउन हो गया, फिर और बंद हो गया है ना। देखो हमारा कैसे गुजारा चला। बिल्कुल, और मतलब यहाँ के लोगों ने हमारा सहयोग बहुत दिया, उसके वजह से हम वो है। और आंटी जी आपकी एज इतनी है, मतलब आंटी आपकी एज कितनी है? 75 साल की उम्र में, मतलब आपको क्या मतलब वो पड़ी, क्या मतलब रेस्ट करने की उम्र में आज आप, मतलब जब कोई नहीं है, भूखा मरेगा तो क्या नहीं करेगा। बिल्कुल, मतलब आंटी आपके बच्चे कितने हैं? 3 लड़कियां, वो भी दुखी हैं, 4 लड़के खत्म हो गए। 4 लड़के खत्म हो गए? ओहो, 4 ऑपरेशन है मेरे। ओहो हो हो हो, आंटी मतलब ये तो मतलब आए तो आंटी मेरी मतलब मेरे को मतलब दुख सा हो रहा है, पता नहीं क्यों अभी अंदर। मेरे लड़के होते तो आप जितने तो मेरे नाती होते। बिल्कुल बिल्कुल आंटी, अब भी हम आपके बच्चे ही हैं, आप समझो बच्चे ही हैं। बिल्कुल, हमारे बच्चे हो, हमारी हमदर्दी करी, जब तो आप आए हो इतनी दूर से। बिल्कुल आंटी, फरीदाबाद से क्यों आते, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल आंटी जी, ये अपने रखते हम अपने लिए भी। मतलब आंटी जी आज तो मतलब मेरे को भी थोड़ा नम सा हो गया, मतलब मैं 4 बच्चे मतलब खत्म होना, और ऑपरेशन से भी हुए थे। किस्मत के खेल है आंटी, अब आपको आंखों में आंसू नहीं लाने, अब खुश रहना पूरी जिंदगी। अब आंसू तो यो में आते हैं, पता नहीं है किस्मत में क्या और आगे भी क्या लिखा है आंटी। अब सब कुछ ठीक होगा, अब आप टेंशन मतलब अब हम आ गए हैं ना, अब हम आ गए हैं, अब आप भगवान आपकी बहुत तरक्की दे। बहुत बिल्कुल बिल्कुल, बस आपका आशीर्वाद रहना चाहिए हमारे। आप जितना भी आगे बढ़ो उतना ही अच्छा है। बिल्कुल, मतलब आशीर्वाद अब आपका हमारे साथ रहना चाहिए। तो अब बर्गर टेस्ट करता हूँ मैं आपका फटाफट, ठीक है? तो और आंटी बर्गर का रेट क्या है, एक बार आप बता सकते हो? 15 रुपए का। और डबल टिक्की भी है? डबल टिक्की का 20 रुपए। 20 रुपए का। और स्प्रिंग रोल? 10 रुपए। 10 रुपए का पर रोल। देखो यार, तो अब टेस्ट करता हूँ मैं फटाफट, ठीक है आंटी? तो अरे अंकल जी यहाँ पर है। अंकल जी आपकी एज क्या है, एक बार एज बताओ मेरे को। एज मेरी 77 साल की उम्र। मतलब यार अंकल की उम्र 77 ईयर है, और अंकल यहाँ बर्गर, और अंकल जी क्या क्या बनाते हो आप? बर्गर। हाँ जी, स्प्रिंग रोल, चाउमीन वाला। यार एक बात बताओ अंकल की उम्र इतनी, अंकल के ना हाथ भी देखो कांपते हैं, मतलब अंकल जी मतलब क्या मजबूरी है, मतलब आपके घर में कौन कौन है पहले ये बताओ? हमारे घर में हम दोनों बूढ़े बुढ़िया हैं। हाँ जी, और बच्चे बीमार दुखी भी रहते हैं, और इसी से हमारा गुजारा चल जाए। हाँ जी,
और बच्चे का बच्चे कितने हैं आपके? तीन लड़कियां हैं, वो अपने अपने शादी हो गई है ससुराल में। अच्छा। और एक लड़की तो ससुराल वालों ने इसको छोड़ रखा है, दामाद को, लड़की को। अच्छा अच्छा। तो दोनों पहले यहाँ अपना काम कर रहे थे, खा रहे थे। हाँ जी। उनका काम नहीं चल रहा, लॉकडाउन से बंद है बिल्कुल ही। हाँ जी। तो हमारे घर में ही रह रहे हैं। ओहो हो हो। खाने का खर्चा भी हम ही कर रहे हैं। ओहो। अंकल जी मतलब मैं तो आपको सलाम करता हूँ कि ये उम्र मतलब बैठने की है जिसमें आप यहाँ काम कर रहे हो, मतलब वक्त से बढ़ते हैं जो कुछ नहीं होता। हाँ जी, करवा रहे हैं, करना पड़ता है। अब मतलब अभी क्या मतलब सेल वेल हो जाती है, मतलब थोड़ी कितना हो जाता है? मतलब अभी कोई सेल नहीं हो रही, हमारा गुजारा भी नहीं हो सकता इस सेल से। जो गवर्नमेंट हमें पेंशन दे रही है दोनों को, उसके जरिए गुजारा हो। ओहो। तो अभी अंकल का बर्गर भी टेस्ट करते हैं। तो मतलब अंकल मैं खुद ही मतलब चौंक गया, मतलब 77 की उम्र में मतलब आप ये काम करना पड़ रहा है बेटा। चलो क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी है। तो यार मतलब तुमने स्टोरी सुनी ली होगी अब तक, यार मैं क्या ही बोलूं, मतलब मैं यार प्लीज आना जरूर यहाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, शेयर से यार बहुत फायदा हो सकता है अंकल आंटी जी को। तो चलो बर्गर ट्राई करते हैं, बर्गर कैसा है खा के दिखाऊंगा पर्सनली। 15 रुपये का बर्गर है यार, बड़ा मन कर रहा है खाने का, तो पहले खाते हैं। अच्छा तो भाई अब अंकल जी हमारे को बर्गर बना के खिलाएंगे, वो बर्गर तल रहे हैं। आज हम बर्गर खाने वाले हैं बड़े दिनों बाद। यस, फ्राइड बर्गर खाएंगे आज हम, फ्राइड बर्गर। तेल बिल्कुल सुखा देती है आंटी जी अपने टॉवल से, बिल्कुल। ये देखो यार बिल्कुल, जब बच्चे यहाँ पे कहते हैं ना आप जैसे बड़े बड़े भी, जी 10 रुपए का नहीं दे रही हूँ, वहाँ तो 10 का मिल रहा है, वहाँ तो ये हो रहा है जबकि कहीं नहीं मिलता 10 का। 10 में तो पड़ता भी नहीं खाएगा, 10 में तो आंटी कुछ नहीं आएगा। सही बात है, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। कभी गुस्सा आ जाती है। हाँ जी, तो बोल देती हूँ आप भी हमारी जगह खड़े होकर देखो। हाँ जी, पड़ेगी तो 10 का कैसे होगा? एक बर्गर, दूसरा आइटम, ये देखो मसाले डल रहे हैं। देखो ये मसाला अंकल घर पे ही बनाते हो? नहीं, बाजार से लाते हैं। अच्छा अच्छा। ये चटनी हम घर पे बनाते हैं। टिक्की देखो, 20 साल से सब लोग हमारी तारीफ आज भी कह रहा। ये जो अंकल की चटनी है इस, ये बहुत फेमस है 20 साल से। इसमें कोई रंग वंग नहीं डालते अंकल जी? नहीं, कोई रंग नहीं डालते। हाँ जी हाँ जी। इसमें पनीर भी देते हो 15 रुपए में? ओ भाई, सामने है ना पूरा आइटम पनीर। वाह 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 वाह। सो गाइस फाइनली ये है इनका बर्गर, और चटनी में देखो मसाले वसाले हैं, और अंदर से भी दिखाऊं पनीर वनीर सब डाला है, और मात्र 15 रुपए में। मैं टेस्ट कर लेता हूँ। तो भाई बर्गर बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो मैं एक बार लोकेशन बता दूं। लोकेशन क्या है प्लीज तू बता दे। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए श्री राम स्वीट बेकर्स है, और सामने ये बेकरी भी है, और सामने इनकी शॉप मिल जाएगी आपको, और लोकेशन का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो भाई ये आ चुके हैं हमारे स्प्रिंग रोल, जैसे कि हम बर्गर टेस्ट कर चुके हैं, तो यार अब स्प्रिंग रोल भी तो खाएंगे यार। तो ओहो भाई इतना क्रंची बर्गर, ओ बर्गर कह रहा हूँ स्प्रिंग रोल, और इसकी फिलिंग भी देखो मतलब बहुत सॉफ्ट है, और बाहर से बहुत क्रंची है, और जो इसकी चाउमीन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है यार। तो भाई आज की वीडियो बस इतनी थी, आंटी के साथ हम आए फरीदाबाद से, मतलब बहुत मज़ा आया आंटी से बात करके, मतलब मैं फर्स्ट टाइम ऐसे आंटी से मिला, मतलब मज़ा आ गया इतना आज। और मैं बताना चाहूँगा कि यार यहाँ पर मतलब लोग आए, खाओ पियो, बातें करो, बहुत मज़ा आएगा। मतलब आंटी से बातें करोगे ना तो और उनको भी अच्छा लगेगा, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगता है, मैं बच्चों से इतनी घुल मिल के बात करती हूँ, तो बच्चे मुझे इतना वो प्यार करते हैं कि मैं अपनी वो नहीं करती। और मेरे को पर्सनली इतना मतलब मज़ा आया आंटी से बात करके, तो एक बार ज़रूर आए। लोकेशन का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, मैं ये नहीं कहता सब्सक्राइब कर दो मैंने चैनल को, भाई शेयर करना, लोगों में फैला देना, ठीक है। और मतलब सेल इतनी हो जानी चाहिए कि लाइने लाइने लग जाए आंटी के स्प्रिंग रोल बर्गर खाने के लिए। तो हमारी खूब कामयाबी, बस शेयर कर देना बस ये वीडियो को। बाय।